नमस्कार जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामीरे की शिरकत, पट्टिका का किया अनावरण। उत्तराखंड सीएम ने नैनीताल में दी सौगात, कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा चार धाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी। हल्द्वानी में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बच्चों संग किया संवाद, समस्याएं सुनकर दिए समाधान के अधिकारियों को निर्देश, कहा खेलों में नई तकनीकी का इस्तेमाल करना आवश्यक। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने सट्टोरियों के खिलाफ की कार्रवाई, आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कई बैंक खातों से 7,65,000 रुपए बरामद। मसूरी के होटल में लगी आग पर मशक्कत के बाद पाया काबू, सामान जलकर हुआ राख, बिल्डिंग में सुरक्षा को लेकर नहीं थे कोई इंतजाम, आग पर पाया काबू। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। टीचर भी हम खुद रखेंगे, उनका कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो कहते हैं कि वहाँ आरटीआई के नॉर्म्स लागू नहीं होंगे, हर प्रकार से छूट लेते हैं और उस नियम का पालन नहीं करते जिस नियम से उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो मैंने आदेश कराया है कि एक बार अल्पसंख्यक स्कूलों का सर्वे कराया जाए कि सत्यता क्या है, कितने बच्चे वहां अल्पसंख्यक के पढ़ते हैं। एक बड़ा निर्णय हमारे प्रदेश में हुआ है। एक हम लोग 10 वर्ष से जिन भी टीचरों को पहाड़ में हो गए हैं, बहुत साल से ये उनकी डिमांड थी कि साहब हम लोगों को ट्रांसफर समय पे नहीं होता है, और इस बार टीचर इतने खुश हैं मुख्यमंत्री जी के निर्णय से, हमारे निर्णय से, कि लगभग 72,000 टीचर हमसे खुश हैं कि इस साल जो भी टीचर पहाड़ से मैदान में आना चाहते हैं हम उसे एक एफिडेविट ले लेंगे, जो आना चाहते हैं। हम इस बार 10% का राइटअप खत्म कर रहे हैं, जो भी नियम कानून में आएगा उसका इस बार ट्रांसफर होगा, और जो 10 साल से ज्यादा यहाँ जो डटे हुए का मैदानी क्षेत्र में। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कैंची धाम को विश्वविख्यात धार्मिक स्थल बताया, तो वहीं धाम में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए सीएम धामी ने भवाली सैनिटोरियम से रातीघाट तक बाईपास के निर्माण की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व से पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। एक विश्व प्रसिद्ध धाम के रूप में लोगों के बीच में प्रख्यात है, और हमारा भी प्रयास है कि वहाँ पर बाईपास बने, उसका प्रस्ताव हमने कर दिया है, और पार्किंग का काम वहाँ पर शुरू हुआ है। अभी प्रारंभिक स्तर पर 150 लगभग वाहन वहाँ पर पार्क हो रहे हैं, उसको और बढ़ाने के लिए मैंने आज भी कहा है कि उसको आगे जो भी धनराशि की आवश्यकता है उसको हम देंगे। और ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग हमारी एक पहाड़ों में पायलट पार्किंग के रूप में इसको डेवलप कर रहे। हल्द्वानी में काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें विधायक सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने जनता से लिए गए फीडबैक को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए, तो वहीं वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सीएम फिर सख्त दिखे। बैठक में उन्होंने वन विभाग और प्रशासन को सभी अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिए। सभी प्रकार की समीक्षाएं हैं कि हम लोगों को कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किस किस दिशा में कितना काम करना है, और जो जनता से फीडबैक हैं उनके संबंध में कुछ अधिकारीगणों से और सबसे चर्चा करने के बाद सभी का समाधान भी निकालना है, और कुछ जो वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं, अवैध जो एक बड़ा पीछे से षड्यंत्र लैंड जिहाद के रूप में, मजार के रूप में जो आ रहा है, उस पर भी जो हम लोगों ने तय किया है कि इन सबको
प्रशासन विधि पूर्वक सबको हटा। चार भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला, यूके एसएसएससी ने आरोपी 184 अभ्यर्थियों को भेजा नोटिस, रद्द हुई तीन भर्ती परीक्षाओं को दोबारा करने के लिए भी कैलेंडर जारी किया गया है। मई से जुलाई के बीच में रद्द हुई परीक्षा दोबारा की जाएंगी। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, वन दरोगा भर्ती परीक्षा, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, 1265 पदों के लिए आयोग फिर करा रहा है परीक्षा। ये भर्ती परीक्षा पुराने अभ्यर्थियों के लिए होगी। जहां जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत उत्तराखंड से, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, जो चार परीक्षाएं रद्द हो गई थी, पेपर लीक मामला था, उनको दोबारा कराने के लिए कैलेंडर तारीख जारी कर दी गई है, और क्या कुछ इसमें अब तक कार्रवाई की गई है? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने जब उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर के एक के बाद एक गिरफ्तारियां एसटीएफ ने की थी, उसके बाद उन्होंने कहा था किसी भी मेहनत पर छात्र छात्राओं को इन परीक्षाओं के रद्द होने पर उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी करते रहे, और संभवतः सरकार और आयोग इन रद्द हुई परीक्षाओं को दोबारा कराने पर विचार कर रहा है। और आज बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि उत्तराखंड में यूपीएससी में जिन चार भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया था, उसमें से अब उन परीक्षाओं को दोबारा करने के लिए मई से और जुलाई के बीच का समय मुकर्रर किया है, जिसमें ये चारों परीक्षाएं दोबारा कराई जाएंगी। और इन परीक्षाओं में जो जिन अभ्यर्थियों ने पहले एग्जाम दिया था, उन्हीं अभ्यर्थियों को उसी कॉल लेटर पर या जो कहें उसी एडमिट कार्ड पर परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी, जिस पर स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है, वन दरोगा भर्ती परीक्षा है, और इसके अलावा सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा है। यानी 1265 पदों पर आयोग दोबारा इस परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी SSSC में चार भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हुए थे, उसमें तकरीबन 184 ऐसे आरोपी बनाए हैं जिनको नोटिस भेजा गया है, यानी नोटिस भेज करके उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है, ताकि अगर उनका स्पष्टीकरण के बाद आयोग अगर संतुष्ट होता है तो उनको भी भर्ती परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं होता है तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए उचित विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। और तकरीबन 66 से ज्यादा गिरफ्तारियां अभी तक यूपी SSSC के दरमियान एसटीएफ ने की है, और तीन भर्ती परीक्षाओं को भारत समय के लिए है उसको जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव धामी ने बकायदा हवी में तमाम बेरोजगार शिक्षित छात्र छात्राओं को अपील करते हुए ये भी कहा है कि जिसके जो एग्जाम भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद रद्द हुए हैं, वो अपनी उम्मीद न छोड़े, तैयारी करें, पढ़ते रहें, अपने प्रतियोगी की परीक्षाओं की तैयारी करें, और आयोग दोबारा इन तमाम भर्ती परीक्षाओं को एक बार पूरी पारदर्शिता के साथ सुरक्षा व्यवस्था के साथ दोबारा कराएगा, ताकि किसी भी छात्र छात्राओं का जी साथ कोई बाहर न हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार की एक और बड़ी पहल, हर खर्च की होगी निगरानी, पाई पाई का होगा हिसाब, निगरानी और मूल्यांकन नीति बनाएगी सरकार, तैयार हो रहा है नीति का ड्राफ्ट, हर विभाग में गठित होगा प्रकोष्ठ, विषय विशेषज्ञों की ली जाएगी राय, आगामी 5 वर्षों में आय को दोगुनी करने के लिए प्रदेश सरकार ने बनाया है रोड मैप, कर्नाटक राज्य की तर्ज पर लाएगी सरकार मूल्यांकन नीति, जल्द ही नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला जुड़े हुए हैं। हिमांशु, राज्य सरकार निगरानी और मूल्यांकन नीति बनाने जा रही है, इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, क्या कुछ होगा इस नीति के तहत? निश्चित रूप से भानु, आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में शासन स्तर पर जो विकास योजनाएं चल रही है, उनकी निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य योजना आयोग के स्तर पर व्यवस्था की गई है, और नीति में जो सरकार है वो ऐसी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली बनाना चाहती है जो वर्तमान समय की शासन निचले स्तर तक प्रभावी हो सके। वही बात की जाए तो अगले 5 साल में जो राज्य की आर्थिक विकास दर दोगुना करने के लिए
राज्य में पहली बार बड़े स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन जो तंत्र है यानी पूरी प्रणाली उसे बनाया जा रहा है, और ये है जो प्रणाली बनाई जा रही है कर्नाटक जो सरकार है उसके पर निगरानी और मूल्यांकन ये की बनाई जा रही है। साथ ही साथ नियोजन विभाग मंत्री का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है, और कुछ स्तर पर जो ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। और वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो शासन स्तर पर कई विकास योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य योजना आयोग के स्तर पर व्यवस्था है, लेकिन सरकार ऐसी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली बनाना चाहती है जो प्रभावी हो। और साथ ही साथ सरकार का मानना है कि प्रत्येक जो वित्तीय वर्ष में सरकार हजारों करोड़ों का जो बजट खर्च करती है क्या वो योजनाओं पर खर्च होता है या नहीं होता है, या जो योजनाएं आम जन के लिए बनाई जाती है क्या वो योजनाएं आम जन तक पहुंच सकती है, और इसी के तहत देखा जाए तो समय समय पर उनकी गुणवत्ता भी परखी जाती है और उनकी समय पर जैसा यानी कितने वर्ष में जो योजनाएं पूरी होती है कुछ ड्राफ्ट के तहत होगा। और साथ साथ राज्य सरकार ने यह भी किया है कि सचिव विभाग को अपने बजट में जो जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए। तो देहरादून की रायपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कई बैंक खातों से सट्टे के कुल 7,65,000 रुपए बरामद हुए हैं जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही सट्टे में प्रयुक्त 9 मोबाइल फोन को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऑनलाइन सट्टा, क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है, ऑनलाइन सट्टा के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जिसमें कि 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सब देहरादून वासी हैं और इनके पास से 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 25,900 रुपया बरामद हुआ है, 7,16,500 रुपया जो उनके अलग अलग 5 बैंक अकाउंट्स में जमा थे उनको फ्रीज किया गया, जो कि उन्होंने इसी सट्टे के माध्यम से आमदनी या उसको रिकवर पैसा को व्यवस्था करी थी उसको हमने जो है वो फ्रीज कर दिया है। मसूरी में मॉल रोपवे के पास देर रात एक होटल के तीसरी मंजिल पर बने स्टोर रूम में अचानक आग लग गई जिससे वहाँ हड़कंप मच गया। होटल में मौजूद पर्यटकों और स्टाफ ने भाग कर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि आग लगने के समय होटल में 20 कमरों में से 8 कमरों में पर्यटक मौजूद थे। आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची जिन्होंने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि होटल में सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम न होने के कारण फायर सर्विस और पुलिस के जवानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फायर सर्विस प्रभारी ने कहा कि जल्द आग लगने के कारणों की जाँच की जाएगी और होटल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। होटल माल रोड पे है, ये राजीव मदान जी का होटल है, ये 3 मंजिला होटल है जिसकी 3री फ्लोर में आग लगी थी। स्टोर था वो, तो ये मालिक द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हमारे यहाँ पे 3 टेंडर फायर टेंडर पहुँच गए थे मौके पे और 5 होस पाइप हमने बिछाए हैं और उसकी मदद से हमने आग को काबू किया है। तो जो है एग्जिट पॉइंट नहीं था इनका, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है, फिर हमें नीचे से आना पड़ा ऊपर। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक महीने पहले पतरामपुर निवासी जसपाल सिंह अपनी पत्नी कुलविंदर कौर का एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया था और महिला का उपचार चल रहा था, जिसके बाद मंगलवार सुबह उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसका पंचनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौर इनका नाम था, पतरामपुर निवासी थी। लगभग एक माह पूर्व इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस संबंध में FIR भी दर्ज है और जांच की जा रही है। आज सुबह घर पे ही इनकी डेथ हो गई, तो आज उसी के क्रम में मेरे द्वारा इनका पंचायतनामा भरा जा रहा है यहाँ पे, और आगे की तो कार्रवाई जांच के बाद ही। देहरादून के रायपुर में स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल मंत्री रेखा आर्या ने बच्चों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान यहाँ निवासरत बच्चों ने कई समस्याओं से मंत्री को अवगत करवाया, जिसके बाद रेखा आर्या ने संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।
उन्होंने स्टूडेंट का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि करियर बनाने के लिए लक्ष्य पर मेहनत करनी होगी। अब खेलों में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्हें अपनाना बेहद आवश्यक है। उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के कार्यकाल का एक साल पूर्ण होने पर मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मनीष राणा के नेतृत्व में क्षेत्र के तमाम मुद्दे पर पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की। मनीष राणा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर के जिन मुद्दों पर रोज पोस्टकार्ड के माध्यम से प्रदेश सरकार की कमियों को सामने लाने का काम करेगी। आपने देखा होगा कि आज के ही दिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पदभार मिला था और आज से फिर 7 दिनों के बाद उन्होंने गढ़वाल का भ्रमण का कार्यक्रम लगा दिया था। ऐसी स्थिति में जिस समय की कांग्रेस 2022 के चुनाव के हार की स्थिति को झेल रहा था, उस समय में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आते ही उन कांग्रेसियों के बीच में, उन साथियों के बीच में पहुँचने का काम किया, उनके जज्बे को मजबूत करने का काम जो करण मेहरा जी ने किया। और आपने देखा होगा कि अनेकों धरना प्रदर्शन, चाहे वो छात्र हितों को लेके हो, चाहे वो बेरोजगार युवा साथियों के लिए हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न के खिलाफ हो, वो तमाम प्रदर्शन करण मेहरा जी के द्वारा सड़क से लेके और सदन तक तमाम ये प्रदर्शन किए। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से खबर है, जहां विधायक आदेश चौहान ने फिर एक बार तहसील कर्मचारी कानून गो के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद कानून गो ने कोतवाली में तहरीर देकर विधायक आदेश चौहान और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी ने बताया कि मामले में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज आया मेरे पास खसरा मांगने के लिए कि भाई साहब 4 दिन से मेरा खसरा नहीं बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, महोदय 4 दिन से छुट्टी चल रही है, मैं 3 दिन से कुछ छुट्टी चल रही है, मैं कहाँ से खसरा दे पाऊंगा, आज मैं आया हूँ, आप खसरा ले जाइए। खसरा उनको दे दिया गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद विधायक जी आते हैं। जब विधायक जी का बाहर उनको मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं उस वक्त सरकारी कार्य कर रहा होता हूँ, उस समय विधायक जी मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे माँ की बहन की गंदी गंदी गालियाँ और अभद्र व्यवहार, मेरे कागज उन्होंने फाड़ दिए सारे, मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। आज आज मैं अपने आप को एक बिल्कुल विहीन महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। रायपुर जो गाँव है वहाँ के जो प्रधान हैं उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और राजस्व निरीक्षक से, परंतु बीच में कुछ दिनों की छुट्टी पड़ जाने के कारण और अन्य किसी कारण वो डॉक्यूमेंट समय पे नहीं दे पाए। और उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि आज वो सुबह वो डॉक्यूमेंट्स दे चुके थे निकाल के, परंतु उसके बाद भी इस विषय को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाते हुए इसमें दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक अपने कुछ लोगों के साथ उनके कार्यालय में आए हैं और इस घटना को जो मौजूदा तहसील कर्मचारी हैं उनके द्वारा देखा गया है। सभी लोगों ने घटना देखी है। इस मामले में SDM जसपुर के द्वारा भी बताया गया है कि इस प्रकार की घटना हुई है। तो ये तहरीर फिलहाल मिली है, तो इसमें तहरीर के अनुसार इसको हमने जांच तलब। जहां पूरे उत्तराखंड में प्रवेश उत्सव मनाया गया, ऐसे में ग्राम सभा बड़गांव का एकमात्र राजकीय इंटर कॉलेज बड़गांव के छात्र छात्राओं ने भी इस शुभ अवसर पर एक रैली का आयोजन किया, जिस रैली के दौरान बच्चों ने एक संदेश रैली निकाली और नारे लगाए कि सब धर्म जाति एक समान है और सभी बच्चों को विद्यालय में पढ़ना अति आवश्यक है। छात्र छात्राओं का कहना है कि ग्राम सभा बड़गांव का राजकीय इंटर कॉलेज बड़गांव सबसे बढ़िया विद्यालय है, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज हमारे विद्यालय में सभी कक्षा 6 और 6 से 12 तक सभी बच्चों को यहां पर अपना नाम करना है, इसलिए हमने पूरे स्कूल में उत्सव मनाया था और हम पूरे गांव में गए, हमने नारा लगाया कि सभी बच्चे को अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे स्कूल में अपने नाम को दर्ज कराना है। उत्तराखंड के 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा इस वर्ष 20 मई 2023 से प्रारंभ होने जा रही है। यात्रा से पूर्व गुरु धाम का जायजा लेने भारतीय सेना का दल श्री हेमकुंड साहिब पहुंचा। बता दें कि प्रतिवर्ष श्री हेमकुंड साहिब आस्था पथ से बर्फ हटाने का कार्य भारतीय सेना के जवान ही करते हैं। यहाँ हेमकुंड साहिब से पहले अटला कोटी ग्लेशियर क्षेत्र में करीब 10 फुट बर्फ जमी है, तो वहीं गुरुधाम हेमकुंड साहिब में भी करीब 8 से 12 फुट बर्फ जमी हुई है। मौसम की परिस्थिति को देखते हुए भारतीय सेना के जवानों द्वारा 20 अप्रैल से आस्था पथ से बर्फ कटान के साथ मार्ग बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 20 मई 2023 से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इंडियन आर्मी द्वारा
तरक्की कर ली गई है, श्री हेमकुंड साहब तक आर्मी पहुंच चुकी है। जो रास्ते की स्थिति है अभी उसमें घाघरिया से 1 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर उसके आगे जंगल का एरिया जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, उसके आगे अटलाकुड़ी से लेकर श्री हेमकुंड साहब तक, ग्लेशियर से लेकर हेमकुंड साहब तक जो भी रास्ता है उसमें 5 फुट से लेकर 12 फुट तक बर्फ है और हेमकुंड साहब के चौगिरदे में 8 से 12 फिट तक लगभग बर्फ है। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को विधायक शिव अरोड़ा और जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने सोमवार को जिला कार्यालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर आम जनता में दिखाए जाने के लिए रवाना किया। इस अवसर पर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि देवभूमि के लिए ये बहुत गौरव का समय है कि कर्तव्य पथ पर राज्य की मानस खंड पर आधारित झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड की झांकी को राज्य गठन के बाद से पहली बार प्रथम स्थान मिला है। सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अध्यात्म और देवभूमि का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो रहा, ये उसका एक बहुत अच्छा परिणाम है कि कर्तव्य पथ पर पूरे देश में इस मानस खंड की उत्तराखंड की झांकी को प्रथम आना। निश्चित रूप से सभी उत्तराखंडवासी गौरवान्वित हैं और आप ये झांकी पूरे प्रदेश में घूम रही है, उससे विजय के प्रतीक के रूप में, उस गर्व के प्रतीक रूप में मैं बधाई देता हूँ संस्कृति विभाग को और बधाई देता हूँ इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी। और आइए आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम सीएम धामी ने की शिरकत, पट्टिका का किया अनावरण। उत्तराखंड सीएम ने नैनीताल में दी सौगात, कई योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास, का चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी, हल्द्वानी में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बच्चों संग किया संवाद, समस्या सुनकर दिए समाधान के अधिकारियों को निर्देश, कहा खेलों में नई तकनीकी का इस्तेमाल करना आवश्यक। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने सटूरियों के खिलाफ की कार्रवाई, आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कई बैंक खातों से 7,65,000 रुपए बरामद। मसूरी के एक होटल में लगी आग पर मशीन